दोस्तों आप सबने तो एक कहावत सुनी होगी कि अगर हम चोर को हीरे की रखवाली करने बोलेंगे तो दोस्तों सीधी सी बात है, चोर को अगर हीरे की रखवाली करने बोलेंगे हम तो चोर हीरा लेके भाग जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि हम जिसे इलेक्ट करके भेजते हैं, हम जिसे भी इलेक्ट करते हैं एज ए पार्लियामेंट लेजिस्लेचर, एज ए प्रधानमंत्री, एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो दोस्तों जब हम ये इलेक्शन करते हैं तो हम जिसको चॉइस करके भेजते हैं, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है दोस्तों, अगर वही एक क्रिमिनल हो तो दोस्तों हम उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारा भला करेगा या फिर वो हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को निकालेगा। इसी तरीके की दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि पार्लियामेंट, जो भी हमारे गवर्नमेंट है, जो भी हमारी सरकार है दोस्तों, जो लोग हमारी सरकार को चलाते हैं उनमें कितने लोग जो है वो क्रिमिनल्स भरे हुए हैं। क्रिमिनल्स दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारे एरिया में या फिर आपके एरिया में या फिर सराउंडिंग में ही नहीं होते दोस्तों, जो हमारी सरकार को चला रहे हैं, जिससे हम ये उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये हमारे लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे, इसलिए हम उन्हें इलेक्ट करके भेजते हैं। बट दोस्तों हमें ये पता नहीं होता है कि वो खुद एक बहुत बड़े क्रिमिनल्स होते हैं। जिस तरीके से दोस्तों मैंने विकास दुबे के बारे में आपको बताया था कि विकास दुबे तो सिर्फ एक मोहरा था, इसके पीछे पीछे बहुत बड़े बड़े दोस्तों क्रिमिनल्स छुपे हुए हैं। आज उन्हीं क्रिमिनल्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों और देखेंगे कि भारत के अंदर जो भी हमारी सरकार है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा दोस्तों, किसी एक को मेंशन नहीं करूंगा, मैं सभी की बात करूंगा। जितने भी हमारे इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट है, जितने भी सीएम है दोस्तों, उनमें जितने भी हमारे इंडिया में हाउसेस है उनमें किन किन टाइप्स के क्रिमिनल्स है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों मैं 2009 की इलेक्शन की बात करता हूं, जब पार्लियामेंट में 2009 में इलेक्शन हुए थे दोस्तों, उस समय हमारे टोटल पार्लियामेंट में क्रिमिनल्स की संख्या थी 30%। मतलब दोस्तों जितने भी सीट्स वहां पे जीती गई थी उसमें से दोस्तों 30% लगभग दोस्तों 162 इतने क्रिमिनल्स इलेक्ट हुए थे दोस्तों एज ए पार्लियामेंट में। तो दोस्तों पार्लियामेंट वो हाउस है जहां पे दोस्तों लॉ बनाए जाते हैं, हमारे पूरे देश में लॉ जो इम्प्लीमेंट हो उसके बारे में हमारे पार्लियामेंट में बात की जाती है दोस्तों। अगर वहीं पे क्रिमिनल्स बैठे हो तो दोस्तों हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे लिए बहुत अच्छा बेटर काम करेंगे। ये संख्या दोस्तों तब बढ़ जाती है जब 2014 का इलेक्शन होता है और लोकसभा में दोस्तों 543 लोग इलेक्ट होते हैं, और इन 543 लोगों में से 185 दोस्तों लगभग 34% क्रिमिनल इलेक्ट हुए होते हैं। तो दोस्तों ये संख्या 2009 में 30% थी जो कि बढ़ के 34% हो जाती है, 2020 में दोस्तों इसकी संख्या बढ़कर हो जाती है 44%। जी हाँ दोस्तों बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में दोस्तों, ये संख्या ना कि कम होगी दोस्तों, ये संख्या बढ़ते ही जा रही है। एक समय दोस्तों ऐसा आएगा कि पूरी की पूरी पार्लियामेंट में क्रिमिनल से भरे रहेंगे, हमें कोई भी वहां पे पढ़ा लिखा या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखेगा जिसने क्राइम ना की हो। 2020 में दोस्तों 539 सीट्स दोस्तों वहां पे विन होते हैं, इतने सीट्स वहां पे भरी जाती है, और इतने सीट्स में से 233 दोस्तों क्रिमिनल इलेक्ट होते हैं। तो दोस्तों 233 एक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, जिसमें दोस्तों बीजेपी के 116 एमपीज होते हैं, कांग्रेस के दोस्तों 29 एमपीज होते हैं, जेडीयू के दोस्तों 9 और बाकी अदर के होते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इतने बीजेपी में से दोस्तों 116 लोग इलेक्ट हो गया ऐसे एमपी में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इलेक्ट हो रहे हैं लोकसभा में। तो दोस्तों आप समझ पा रहे हैं कि कितनी ज्यादा हमारे पार्लियामेंट में, हमारे सीएम, हमारे लेजिस्लेचर में इतनी ज्यादा क्रिमिनल्स लोग भरे जा रहे हैं दोस्तों। 2050 तक दोस्तों मैक्सिमम, अगर इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया तो 2050 तक दोस्तों मैं गारंटी देता हूं पूरी की पूरी पार्लियामेंट में सारे के सारे क्रिमिनल्स ही भरे होंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब क्रिमिनल्स ही लॉ बनाएंगे हमारे पब्लिक के लिए कि किस तरीके से अब हम देश का भला करेंगे। तो दोस्तों हम इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि किस तरीके से देश का हमारे भला करने वाले हैं। दोस्तों अगर 2019 की बात की जाए या फिर 2014 से 2019 तक की बात की जाए दोस्तों, 2019 में 2014 से लगभग दोस्तों 26% क्रिमिनल्स ज्यादा भरे पड़े हैं हमारे पार्लियामेंट में। तो क्रिमिनल्स की संख्या दोस्तों बढ़ती चली जा रही है, अब होगी 44%, एक समय आएगा 64, 74, इस तरीके के नंबर से बढ़ते ही रहेंगे अगर इसके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया नहीं गया तो। दोस्तों अगर इसी तरीके का हम स्टेट की बात करते हैं तो दोस्तों स्टेट में जो लेजिस्लेचर असेंबली होती है दोस्तों, हर जगह पे दोस्तों कम से कम एक हाउसेस होती है। हमारे यहाँ पे 28 स्टेट है और 28 स्टेट में हर एक जगह पे एक एक लेजिस्लेचर होती है, और 7 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां पे 2 हाउसेस होती है। तो दोस्तों हम सिंगल हाउसेस की बात करते हैं तो इन सिंगल हाउसेस में भी दोस्तों हर जगह पे क्रिमिनल्स भरे पड़े हैं। इसमें बात की जाए दोस्तों अगर यूपी की, तो यूपी में दोस्तों 37% क्रिमिनल इलेक्ट हो चुके हैं। 2017 के इलेक्शन में दोस्तों 312 सीट थी, 312 सीटों में से दोस्तों 114 ऐसा क्रिमिनल इलेक्ट होते हैं उसके अंदर। 2009 के इलेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो 2009 की जो इलेक्शन हुई थी उसमें एमपी में दोस्तों सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स रिकॉर्ड किए गए थे जो कि जेडीयू से थे।
तो दोस्तों इनके ऊपर कई छोटे छोटे आरोप नहीं होते हैं कि बहुत ज्यादा छोटे आरोप जैसे ट्रैफिक रूल तो तोड़ दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया। दोस्तों इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स के केसेस होते हैं, जैसे कि मर्डर हो गए दोस्तों, रेप्स हो गए दोस्तों, फ्रॉड हो गए। तो दोस्तों इनके ऊपर ऐसे कई सारे एक केसेस दो केसेस नहीं होते दोस्तों, कम से कम 14-15-16 केसेस के एमएलए एमपीज भी हाउसेस में बैठते हैं। और दोस्तों यहीं पे अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों, तो महाराष्ट्र के अंदर क्रिमिनल्स रिकॉर्ड की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो 62% की बढ़ोतरी हुई दोस्तों। मतलब कहने का अर्थ ये कि इस इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन हुआ है इसमें दोस्तों 62% लोग जो हाउसेस में बैठते हैं वो दोस्तों क्रिमिनल्स बैठते हैं। लगभग दोस्तों ये हो जाता है 176 MLA। जी हाँ दोस्तों, 176 MLA जो बैठे हमारे हाउसेस में दोस्तों वो एक क्रिमिनल्स है, जिसमें दोस्तों 40% क्रिमिनल जो है उनके ऊपर सीरियस केसेस के चार्जेस लगे हुए हैं। इसी में दोस्तों एक पार्टी की बात करते हैं बीजेपी। तो दोस्तों सबसे ज्यादा अगर वुमेन्स के अगेंस्ट जो केसेस रजिस्टर किए गए हैं वो दोस्तों बीजेपी के लोगों के द्वारा किए गए, बीजेपी के एमएलए एमपी ने ही वुमेन्स अगेंस्ट दोस्तों वुमेन्स के खिलाफ जो उन्होंने क्राइम किए हुए हैं ये सबसे ज्यादा बीजेपी वाले ने किया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी। अगर दोस्तों ओवरऑल बोला जाए तो हमारे स्टेट में, हमारे पूरे इंडिया में दोस्तों 28 स्टेट है दोस्तों और हमारी गवर्नमेंट है। तो दोस्तों इन 20 स्टेट में कितनी सारी सीट्स हैं, इन सीट्स को अगर काउंट कर लिया जाए और पार्लियामेंट को भी इसमें ऐड कर दिया जाए दोस्तों, तो 4121 पूरे सीट्स होते हैं। दोस्तों इन 4121 सीटों में से दोस्तों टोटल ओवरऑल अगर बोला जाए दोस्तों 36% एमपीज और एमएलए जो इसमें भरे पड़े हैं दोस्तों वो है क्रिमिनल्स लोग। और इनके ऊपर दोस्तों 4452 केसेस दोस्तों अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जो केसेस सॉल्व ही नहीं होते दोस्तों। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था जब वो 2014 के इलेक्शन जीते थे, तो दोस्तों उन्होंने कहा था कि लगभग 2 या 3 साल के अंदर इन पूरे केसेस को पेंडिंग से हटा के जो जिन्होंने जो जो क्राइम किए हुए उनको वो सजा मिलेगी। बट दोस्तों ऐसा कुछ भी रियलिटी में हुआ नहीं, और तो और दोस्तों केसेस ऊपर बढ़ गए। आपने जैसे देखा कि 2019 में 44% हो गया है दोस्तों पार्लियामेंट के अंदर क्रिमिनल्स की संख्या। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीजेपी वो पार्टी है जिसके द्वारा वुमेन्स अगेंस्ट में बहुत ज्यादा केसेस को रजिस्टर किया गया है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर बोला जाए तो बीजेपी के लोगों में 48%, जी हाँ दोस्तों 48% लोगों जो बीजेपी के सरकार है, जो भी कैंडिडेट है दोस्तों बीजेपी के, 48% जो है वो वुमेन्स अगेंस्ट केसेस में फंसे पड़े हैं। तो दोस्तों अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो क्रिमिनल केसेस भरे पड़े हैं दोस्तों वो है झारखंड। झारखंड के असेंबली में दोस्तों 82% कैंडिडेट जो है दोस्तों वो क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल लोग वहां पे बैठे हैं। तो दोस्तों आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा है कि किस तरीके के केसेस हमारे भारत में चल रहे हैं और हमारे पूरे स्टेट में चल रहे हैं, और उनके ऊपर कितने पेंडिंग केसेस अभी भी पड़े हुए हैं, कितने एमएलए के ऊपर केसेस चल रहे हैं और कितने पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं। उसी में दोस्तों अगर हम यूपी की बात करते हैं तो 248 मेंबर्स हैं, जिसमें से पेंडिंग केसेस दोस्तों आप देखेंगे तो 539 है। और अगर बिहार की बात करते हैं दोस्तों तो 144 MLA मेंबर्स जो है दोस्तों इनके ऊपर क्राइम चार्जेस है, और 306 दोस्तों अभी भी पेंडिंग केसेस में पड़े हुए हैं। आइए दोस्तों अब हम एक नजर डाल देते हैं इनके सैलरी के ऊपर। दोस्तों ब्लैक मनी जिसे कहा जाता है दोस्तों, सैलरी तो कम दोस्तों, इनके जो खाते में पैसे होते हैं उसे ब्लैक मनी के हिसाब से ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज्यादा पैसे का घोटाला करते हैं। आप जानते हो दोस्तों कि ऊपर से नीचे तक के लेवल में हर जगह पे घोटाला इस समय हो ही रहा है। तो दोस्तों आइए इस घोटाले के ऊपर बात करते हैं कि इनकी सैलरी, इनके बैंकों में अकाउंट में कितने सारे पैसे पड़े हुए हैं दोस्तों। क्या एक एमएलए एमपी के पास इतने पैसे होने चाहिए? अगर उनके सैलरी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो क्या करोड़ों रुपया, 200-250 करोड़, जी हाँ दोस्तों 200-250 करोड़ रुपए क्या इनके अकाउंट में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और अगर होने चाहिए तो क्यों होने चाहिए, इनके सैलरी के ऊपर हम बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम इनके सैलरी की बात करते हैं तो कि एमपी की सैलरी की हम बात करते हैं तो दोस्तों इनकी मंथली जो सैलरी होती है वो 1.4 लाख होती है पर मंथ, जी हाँ दोस्तों महीने का इनको 1.5 लाख रुपए की इनकी पेमेंट होती है। और तो और दोस्तों ये जो 1.5 लाख इन्हें सैलरी दी जाती है, प्लस इनको बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है दोस्तों, रेलवे की फैसिलिटी, हॉस्पिटल की फैसिलिटी दोस्तों, कार की फैसिलिटी, हाउसेस की फैसिलिटी दोस्तों, घर की फैसिलिटी, आने जाने की फैसिलिटी दोस्तों, एयरलाइंस की फैसिलिटी, जितनी भी चीजें हम अपने लाइफ में यूज करते हैं दोस्तों इन्हें उनमें सारी चीजों में फैसिलिटी इनको दी जाती है। प्लस इनका खर्चा जो उठाती है दोस्तों वो है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इनके खर्चे को उठाती है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि इनका 1.5 लाख पूरा का पूरा पेमेंट आप बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा बच जाता है, ये सेव करके रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हाईएस्ट बात की जाए तो वो है दोस्तों धर्मपाल लकड़ा, जी हाँ दोस्तों धर्मपाल लकड़ा जो है आपकी पार्टी में से है, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली के हैं दोस्तों,
और इनकी पे, इनकी जो सैलरी है दोस्तों, इनका जो टोटल अमाउंट है दोस्तों, अगर इस ये मैं आपको बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे दोस्तों कि इतनी ज्यादा सैलरी है कि एमएलए की कैसे हो सकती है। दोस्तों इनकी टोटल सैलरी है 292 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 292 करोड़ इनकी सैलरी है, इतनी ज्यादा इनकी सेविंग है दोस्तों, 292 करोड़। सपोज अगर दोस्तों महीने का इनको 1.5 लाख रुपया मिलता है, अगर वो 1.5 लाख जमा भी करते हैं तो दोस्तों 292 करोड़ होने में कितना टाइम लगेगा, और इनके पास इतना इनकम आया कहाँ से दोस्तों? ये खुलेआम पड़े हुए न्यूज पे, बट कोई दोस्तों एक्शन नहीं होता है। ये सारे के सारे ब्लैक मनी अपने घरों में, ये तो सिर्फ दोस्तों इनके अकाउंट की चीजें हैं, बट दोस्तों इनके घरों में भी बहुत से ऐसे पैसे ये दबा के रखे रहते हैं दोस्तों, बट इनका कोई भी खुलासा नहीं होता है। तो दोस्तों अगर हम इस 2019 के इलेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो जो न्यू लोकसभा की इलेक्शन हुई थी, तो लोकसभा के अंदर टोटल ओवरऑल दोस्तों 475, जी हाँ दोस्तों 475 करोड़पति एमपी हमारे पार्लियामेंट में हैं दोस्तों, 475। आप समझ रहे हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ा नंबर है, इतने करोड़पति। और करोड़पति का दोस्तों मतलब ये नहीं है कि 1 करोड़ 2 करोड़, दोस्तों 100 करोड़ 150 करोड़ 200 करोड़ तक इनके अकाउंट में पैसे पड़े रहते हैं दोस्तों। ये किसी और का पैसा नहीं है, ये हमारे ही द्वारा चुकाए गए टैक्स का पैसा होता है दोस्तों। अगर गवर्नमेंट हमारे द्वारा जो टैक्स हम चुकाते हैं दोस्तों, वो यूज करना चाहिए दोस्तों हमारे फैसिलिटी के ऊपर, जो भी हमारे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्लड्स आते हैं दोस्तों, ड्राफ्ट आते हैं, जो भी दोस्तों अर्थक्वेक आता है, सुनामी आता है, तो इनमें दोस्तों हमारी गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करके इनकी फैसिलिटी को बढ़ाना चाहिए, ना कि दोस्तों एमएलए और एमपी के पेट को भरना चाहिए दोस्तों। ये एमएलए एमपी की सैलरी को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा ये फटाफट दोस्तों बिल लाते हैं और फटाफट उसको एक्ट में बनाते हैं कि इनके प्रस्ताव को फटाफट बढ़ा दिया जाए। यहाँ दोस्तों बीच में ही एक और इन्होंने प्रस्ताव पारित किया हुआ है कि एमएलए एमपी की जो सैलरी है उसको बढ़ाया जाए, और दोस्तों इसमें कोई रोक टोक नहीं होगा, ये बहुत ही जल्दी इलेक्ट हो जाएगा, बहुत ही जल्दी इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया जाएगा और इनकी सैलरी को बढ़ा दिया जाएगा। तो सैलरी बढ़ाने की जो बात की जा रही है दोस्तों, ये 1.5 लाख से कहा जा रहा है कि 2.8, जी हाँ दोस्तों अप्रोक्सीमेट 3 लाख रुपए बढ़ाने की बात की जा रही है कि इनकी सैलरी को 1.5 लाख से बढ़ा के 3 लाख तक कर दिया जाए। और दोस्तों इनको जो फैसिलिटी दी जाती है हॉस्पिटल्स में, एयरलाइन, रेलवे, लाइट बिल, दोस्तों इनके हर एक में इनको प्रस्ताव इन्होंने पारित करके इसकी बिल को बढ़ाने की मांग की है। ये दोस्तों बात कहां तक सही है, क्या आपको ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर इनके अकाउंट में 200-300 करोड़ की मात्रा में जिससे धन इनके अकाउंट में पड़ा हो और ऊपर से ये प्रस्ताव पारित करें कि हमारी सैलरी को बढ़ाया जाए, तो दोस्तों ये कहां तक सही होगा? जनता के पैसों को एक गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, जहां पे जनता के पैसों को एक सही ढंग से लगाना चाहिए वहां पे फैसिलिटी दोस्तों। आज भी भारत में बहुत सारी गरीबी है, फार्मर्स आज भी सुसाइड कर रहे हैं दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही जा रहा है, जीडीपी भारत की गिरती जा रही है दोस्तों। अगर इन हम पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत के पास पैसे बहुत है दोस्तों, बस उसे यूज करने का तरीका गलत है दोस्तों। अब दोस्तों मैं क्रिमिनल्स में और नाम तो नहीं ले सकता दोस्तों कि हमारे भारत में 11 सीएम दोस्तों, 11 सीएम ऐसे हैं जिसके ऊपर भरे पड़े हैं दोस्तों क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड। जैसे योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो उनके ऊपर तो कम से कम 50 से 60 केसेस चले थे, बट दोस्तों उसको कम कर करके वो दोस्तों 4 केसेस पे आ गया है। तो अगर हाईएस्ट केसेस की बात की जाए तो दोस्तों देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आज भी दोस्तों टोटल 22 केसेस चल रहे हैं। तो दोस्तों इसमें हमने बात कर लिया कि जो हमारी सरकार को चला रहे हैं दोस्तों वो एक क्रिमिनल चला रहे हैं, एक समय आएगा दोस्तों कि हम क्रिमिनल्स को ही इलेक्ट करके भेजने वाले हैं। तो क्या दोस्तों इसका कुछ सोल्यूशन है? जी हाँ दोस्तों, इसका सोल्यूशन की बात करते हैं दोस्तों कि इन सारे प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन क्या है। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा सोल्यूशन निकल के आता है वो है दोस्तों हमारी गलती। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमारी ही गलती है, क्योंकि ये खुद तो इलेक्ट होते नहीं है, इनको इलेक्ट करने वाले दोस्तों हम होते हैं, क्योंकि हम ही इनको इलेक्ट करके भेजते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव कि हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। अगर दोस्तों एक तरफ क्रिमिनल वाला इलेक्शन के लिए खड़ा है दोस्तों, दूसरी तरफ एक पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा सीधा, या फिर आप बोल सकते हो कि लोगों के बारे में सोचने वाला खड़ा है, तो दोस्तों ज्यादातर क्रिमिनल से जीतने वाला है, इसमें चांसेस बढ़ जाती है। और दोस्तों ये रियलिटी भी होती है कि हम क्रिमिनल्स को ही चूज करके भेज देते हैं। और दोस्तों अगर थोड़ी और बैकग्राउंड में जाया जाए तो इसमें हमारी भी गलती नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो भी इलेक्शन के लिए कैंडिडेट खड़ा होता है उसकी पूरी बैकग्राउंड हमें नहीं दिखाई जाती है, उसकी विकिपीडिया में भी आप जाके देखेंगे दोस्तों तो आपको किसी भी तरीके का क्रिमिनल रिकॉर्ड वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। ये दोस्तों सबसे बड़ी गलती है कि कोई भी अगर इलेक्शन के लिए खड़ा होता है तो दोस्तों एक इलेक्शन कमीशन की ये बात चलती है दोस्तों, ये काम होता है दोस्तों कि वो उस रिप्रेजेंटेटिव का पूरा बायोडाटा है, कितने उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, क्या क्या उन्होंने किया हुआ, कितना मर्डर किया हुआ, ये सारी चीजें हमें दिखानी बहुत आवश्यक है दोस्तों। अगर हम इन सारी चीजों को देखेंगे कि इन्होंने इतने सारे क्राइम किए हुए, इतने सारे मर्डर्स किए हुए, तो दोस्तों हम उनको क्यों इलेक्ट करेंगे? तो दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा
ड्रॉबैक है इसके ऊपर। दोस्तों सेकंड जो सॉल्यूशन सबसे अच्छा निकल के आता है दोस्तों, कि हमारी गवर्नमेंट को एक ऐसा लॉ बना देना चाहिए दोस्तों कि अगर किसी भी तरीके का कैंडिडेट किसी भी तरीके का क्राइम करता है, मर्डर हो गया या फिर दोस्तों अगर किसी भी तरीके का क्राइम करता है, तो उसे इलेक्शन का टिकट नहीं मिलना चाहिए और उसे इलेक्शन में खड़ा होने को नहीं देना चाहिए। अगर इस तरीके के दोस्तों लॉ पारित किए जाते हैं, लॉ बनाए जाते हैं दोस्तों, तो बहुत ही जल्दी हमारे भारत के पार्लियामेंट में 0% क्रिमिनल समय देखने को मिलेंगे। बट दोस्तों अगर हम इसके ऊपर आज एक्शन नहीं लेंगे दोस्तों, तो ये क्रिमिनल रिकॉर्ड बढ़ते ही चले जाएंगे और हम इसी तरीके से देखते रहेंगे और मैं इसी तरीके से वीडियो बनाते रहूंगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत ही जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा ताकि ये बहुत ही जल्दी सॉल्यूशन बन के आए और हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव एक रियल में दोस्तों हीरो हो, जो हमारे जनता के लिए एक अच्छा काम कर पाए। दोस्तों ये थे मेरी तरफ से दो सॉल्यूशन, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों प्लीज शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारे दोस्तों के अंदर एक अवेयरनेस आ गया कि किस तरीके से हमें इलेक्शन करना चाहिए। जिससे हम वोट डाल रहे हैं दोस्तों, एक वोट बहुत ही कीमती होता है दोस्तों, ये हमारे देश का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, ये हमारे देश के युवा लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सीख बन सकती है और एक बहुत बड़ा बदलाव भारत के अंदर ला सकती है। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको अपडेट चाहिए तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी तरीके के इश्यू पे मैं बात करते रहता हूँ दोस्तों और आप सबके सामने एक अवेयरनेस की चीजें रखता हूँ, जिसे आप सबको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर किन किन समस्या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और उनके प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन क्या है। चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।